इन कुछ बैंकों के द्वारा, कुछ एनबीएफसी के द्वारा ऐसा कृत्य किया जा रहा है जिससे ये तो क्लियर हो गया है कि आम जनता को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जितना हो सके उसको दबा करके ये लोग लूट रहे हैं। अभी एक ऐसी न्यूज मेरे सामने आई जिसको मुझे लगा आपको बताना चाहिए। मामला कुछ इस प्रकार से है, जब भी आप किसी बैंक एनबीएफसी के पास में कोई पर्सनल लोन के लिए जाते हैं या फिर होम लोन के लिए जाते हैं, आप इस बात से भली भांति परिचित हैं, आप लोगों से ये प्रोसेसिंग फी लेते हैं। कोई जो लोन अमाउंट होता है उसका 1% प्लस जीएसटी लेता है, कोई बैंक मिनिमम 2,000 रुपए, मैक्सिमम 10,000 रुपए तक की प्रोसेसिंग फी लेता है। चलो उसको ले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ये आरबीआई ने करके क्लियर रखा है। लेकिन ये जो टुच्ची हरकत इन्होंने की है, ये जो घटिया हरकत इन्होंने की है, ये बहुत ही ज्यादा दुखद है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जनता को मतलब ऐसे समझ रहे हैं जैसे मानो कोई भी वो है उसको पूरी तरह से निचोड़ दो, कोई कपड़ा हो जैसे, जैसे मतलब चाहो ऐसे कर लो। इनको ऐसा लगता है कि इनके ऊपर कोई है नहीं, लेकिन ये भूल जाते हैं इनका बाप आरबीआई बैठा है, अगर कुछ गलत करोगे तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा। और आज की डेट में जो हमारे देखने में आ रहा है, इन बैंक और एनबीएफसी की अच्छे तरीके से आरबीआई ने लगा रखी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मामला जो सामने आया, ये मामला देखो जानने के बाद में ना मैं तो पूरे तरीके से आश्चर्यचकित फील कर रहा हूं कि यार ऐसा भी होता है। देखो ये क्या करते हैं, जब भी किसी व्यक्ति को होम लोन देते हैं, होम लोन देते समय पूरी तरह से उसके सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं। जब वो होम लोन अप्रूव्ड हो जाता है, होम लोन पास हो जाता है, उसके बाद ही व्यक्ति से पूरा इंटरेस्ट चार्ज ले लेते हैं। मतलब अकाउंट में पैसा गया नहीं है और फिर भी उससे चार्ज लिया जा रहा है। तो आरबीआई ने इस पर एक्शन लेते हुए बैंकों को, एनबीएफसी को ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि भाई अब आप आज से ध्यान रखो, जब व्यक्ति के अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाए उसके बाद में आप जो इंटरेस्ट लगता है वो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पहले इंटरेस्ट लगाएंगे तो पूरी तरह से ये गलत है। तो आरबीआई ने इस पर एक्शन लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान करके, क्योंकि काफी व्यक्ति हैं जो कि भाई मंथ से पहले ही इंटरेस्ट दे रहे हैं, मतलब पैसा अकाउंट में आया ही नहीं है और इंटरेस्ट पहले ले लो, भाई ये कौन सा तरीका है, ये कहाँ की अच्छाई है। तो कुल मिलाकर के ये बैंक एनबीएफसी यार झोल तो करते हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, और जनता को ये ऐसे लूटते हैं दबा करके। और जनता पूरी तरीके से करे क्या बेचारी, उसको जरूरत है पैसे की तो वो इनके पास जाता है, क्या कर सकते हैं। अब बताओ होम लोन में और पर्सनल लोन में भी ऐसा इन्होंने हरकत किया है, वो तो शुक्र है कि सामने इनकी हकीकत आई है। यदि आपने भी कोई पर्सनल लोन लिया है या फिर होम लोन लिया है और लोन अप्रूव्ड होते ही आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं हुआ और उस मंथ की आपसे पहले ही ईएमआई ले ली है, पहले ही इंटरेस्ट ले लिया है क्या, कमेंट में आप जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करके जा सकते हैं, अच्छी नहीं लगी है वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हैं, कोई सुझाव है ईमेल और कमेंट के जरिए दे सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल पहला ऐसा यूट्यूब चैनल है जो कि सबसे पहले आपके लिए जो भी कोई अपडेट आता है लेकर के आता है, इसीलिए नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑन कर दें ऑल नोटिफिकेशन पर, उससे कोई आपको दिक्कत नहीं होगी लेकिन आपको फायदा ही हो जाएगा। फायदा क्या होगा, आपको हमारी कोई भी वीडियो आएगी उसको पूरी तरह से देखना पड़ेगा, बिल्कुल आप किसी भी इंफॉर्मेशन से मिस नहीं हो पाएंगे, राइट। तो अब मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। बाकी देखो हम लोगों ने आप लोगों के लिए पेड सर्विस तो शुरू करके रखी है, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कराइए, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर प्लस आपकी जो प्रॉब्लम है वो। अगर आपको सामान्य जानकारी चाहिए होगी तो हम सामान्य जानकारी के लिए आपको टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट देकर के अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे। अगर आपको एडवोकेट की जरूरत होगी तो हम कोई खुद एडवोकेट तो है नहीं, थर्ड पार्टी एडवोकेट से हमें कॉन्टेक्ट करना होता है, थर्ड पार्टी जो एडवोकेट है वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनके पास में हम आपका केस फॉरवर्ड कर देंगे, वहां पर थोड़े आपको चार्जेस जो है वो अधिक पे करने पड़ सकते हैं। तो बाकी आप इस सर्विस का लाभ उठा सकते हैं, बहुत बेटर सर्विस है, काफी लोग इसका लाभ भी उठा रहे हैं। बाकी देखो दोस्तों आपको ये न्यूज कैसी लगी, जो आरबीआई ने ये एक्शन लिया है इनके ऊपर, कॉमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।